विफाकी काबीना इजलास में वजीर आजम का इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसे का वाकये का नोटिस। वजीर आजम ने विफाकी वजरा की इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा है वजरा और दीगर पुलिस के स्क्वाड लेकर घूमते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, अवैस कियानी से बात करेंगे। अवैस कियानी, क्या कहना था इस पर? देखिए, दो अहम फैसले हुए हैं। एक तो कल रात को जो हादसा हुआ है जिसमें चार नौजवान जो है वो जांबाक हुए हैं, उसका नोटिस दिया है वजीर आजम ने, और उस पर उनके जो है ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वजीर आजम का कहना था कि इजाफी स्कॉट्स लेकर जो है इस्लामाबाद की शाहराहों पर जो है वो घूमा जाता है। डिटेल्स मांगी गई हैं कि किस वजीर और किसके पास कितनी कितनी सिक्योरिटी इजाफी नफरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी हदायत दे दी है कि इजाफी सिक्योरिटी जो है वो वापस ली जाए। इसके साथ जो एक अहम जो चीज़ आई है वो अलीम खान की जो सोसाइटी है उस पर चूंकि हाईकोर्ट का जो अहकाम थे उसको पॉप करने की जो बात की जा रही थी उस पर जो है बात हुई है, जैर बहस हुआ आया है मामला, और उस पर यह बताया गया है कि वजारत दाखिला जो है इस पर अपनी सिफारशात जो है वो आइंदा इजलास में जो है लेके आए। और उसके साथ जो अहम फैसले हुए हैं सियासी और जो माशी सूरत हाल पर बात हुई है, पार्लियामेंट में वज़रा की हाजिरी पर बात हुई है, और दीगर जो अहम अमूर हैं काबीना के जो आज के झंडे थे उनकी आज मंजूरी दी गई है। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया वैस क्यारी।